नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्ट में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ब्रोकरेज हाउस के, डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के ऊपर, जिसने 5 स्टॉक के ऊपर आप कह सकते हैं अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक ऐसा स्टॉक है जो 45% तक आपको रिटर्न दे सकता है। जिस ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है वो आप कह सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित ब्रोकरेज हाउस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी उनकी रिपोर्ट्स रही हैं। और यह 5 स्टॉक जब मैं आपको उनके नाम बताऊंगा तो वाकई में अपने सेक्टर के बहुत ज़्यादा दिग्गज स्टॉक्स में से इनका नाम आता है। तो यदि आपके पास ये स्टॉक है तो ये आपको देखना चाहिए। दूसरा, यदि आप एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक की तलाश में हैं तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव ये होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अच्छा लगता हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट एनी टाइम सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको इस रिपोर्ट की तरफ। देखिए, मोतीलाल ओसवाल बुलिश ऑन 5 स्टॉक्स विद स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल सी मैक्सिमम 45% रिटर्न। ठीक है, मैंने आपको बताया 5 स्टॉक हैं जिनमें से किसी एक में आपको 45% तक के भी रिटर्न दिख सकते हैं। तो आप यहां पाएंगे दैट भाई लीडिंग ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल हैज रिकमेंड 5 स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी 5 स्टॉक कौन कौन से दोस्तों? ब्रिगेड एंटरप्राइज, भारत फोर्ज महानगर गैस, भारत फोर्ज, फिर है महानगर गैस, फिर है मनप्पुरम फिनेंस और लेमन ट्री होटल्स। यानी अलग अलग सेक्टर के कह सकते हैं आप इन्हें स्टॉक्स को उठाया गया है। और इनके ये कहना है इफ यू बाय दीज स्टॉक्स टुडे यू विल गेट मैक्सिमम रिटर्न 40%, लगभग 40% की तक की यहाँ के रिटर्न की बात हो रही है। लेकिन देखिए, पहले बता दूं ये कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ये कहा गया है कि 5 स्टॉक की कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें इसमें तेजी आ सकती है, लेकिन आप कोई भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लीजिएगा। सबसे पहला स्टॉक का नाम आता है, देखिए यहाँ 5 स्टॉक है जिसमें से जो ब्रिगेड एंटरप्राइज है ये 45% तक का रिटर्न दे सकता है, लेमन ट्री होटल्स 21% का, मनप्पुरम फाइनेंस 21% का, भारत फोर्ज 15% का और महानगर गैस आपको 14% के रिटर्न दे सकती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आप कह सकते हैं कंपनीज की। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं भाई देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले ब्रिगेड एंटरप्राइज, तो इसमें ऐसा क्या कहना है इनका? तो देखिए, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ मिड कैप स्टॉक इज ₹495, यानी लगभग 500 के आसपास के स्टॉक मिल रहा है। 495 अगर प्रिसाइज देखें, इट हैज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 11,415 करोड़, 11,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक इसमें ऑपरेट करता है रियल स्टेट सेक्टर में और मैक्सिमम रिटर्न इसने 178% दिए पिछले 5 सालों में। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल ने इसमें बाय कॉल दिया है दोस्तों और टारगेट प्राइस रखा है ₹720 का। ठीक है, अभी लगभग 500 के आसपास 720 का टारगेट दिया गया है और आप कह सकते हैं 45% तक का आपको ये रिटर्न देगा। ठीक है भाई, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे का रैशनल क्या है, यानी 45% रिटर्न देगा क्यों? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल वी रीइटरेट अवर बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक विद एन अनचेंज्ड टारगेट प्राइस ऑफ 720 इंप्लाइंग एन अपसाइड 13%। मैनेजमेंट रीइटरेट दैट इट्स इंटेंट टू फुल्ली लीज आउट इट्स कमर्शियल एसेट्स। देखिए, कंपनी का ये कहना है कि उनके पास जो भी कमर्शियल एसेट्स है उन सबको वो लीज में दे देगी 2023 तक, लीडिंग टू 19% में इंक्रीज होगी दोस्तों, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होगी रेंटल इनकम की फाइनेंशियल 24 के अंत तक। आगे है BEL, ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 44 बिलियन रुपीज ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम 23 to 25 विच विल बी यूटिलाइज टू स्ट्रेंथन फर्दर प्रोजेक्ट पाइपलाइन लीडिंग टू ग्रोथ विजिबिलिटी। ठीक है, यानी लीज इनकम में 19% की वृद्धि की बात हो रही है, प्लस लगभग 44 बिलियन रुपीज का इनके पास कैश फ्लो आएगा 23 से 25 तक, जो आने वाले जो इनकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे फंक्शन करने में महत्वपूर्ण कदम यानी महत्वपूर्ण मदद ये करेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई उस चीज की। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे स्टॉक की हमारे, जिसका नाम है भारत फोर्ज। ये इतना ज्यादा हॉट स्टॉक है दोस्तों लोगों के बीच में, हर कोई भारत फोर्ज की बात कर रहा है। कुछ रिजल्ट आने में थोड़ी गिरावट हुई है, बट लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो द स्टॉक करंट प्राइस मार्केट प्राइस जो है 853 अपीस में है। मार्केट कैप इसका देखेंगे लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का है, जिसने 93 का रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में और मोतीलाल ओसवाल ने इसमें बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस रखा है 900 लगभग ₹1,000 के आसपास की दोस्तों। ठीक है, यानी कि 15% की वृद्धि। तो भाई आगे इनका क्या कहना है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो देखिए,
अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट वी एस्टिमेट अ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू एबिटा पैट सीजीआर 14%, यानी जो रेवेन्यू है कंसोलिडेटेड वो 14% बढ़ने वाली की बात कर रहे हैं, एबिटा 20% बढ़ने की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24%, पैट सीएजीआर 20% और 24% की बढ़ोतरी की बात कह रहे हैं 22-25 तक, ठीक है। द स्टॉक ट्रेडेड 40 और 25.6x की कह लीजिए आप ईपीएस में ट्रेड करेगा 23 के अंदर 24 तक के अंदर, ठीक है। यही कारण है उन्होंने बाय रेटिंग रखी है टारगेट प्राइस ऑफ 985। देखिए जो ऑल कोर बिजनेस है वो काफी सीइंग अ गुड सिक्लिकल रिकवरी, बहुत ही अच्छे जो सिक्लिकल रिकवरी है उसमें देखने को मिलेंगे, जबकि जो नए बिजनेस है दोस्तों आर इन वेरियस स्टेज ऑफ रैंप अप, और जो पुराने जो कह लीजिए बिजनेस हैं वो आप कह सकते हैं एक काफी अच्छी रिकवरी के फेज में आ रहे हैं, और जो नए बिजनेस हैं वो भी रैंप अप हो रहे हैं, और ये दिस कपल्ड विथ इट्स फोकस ऑन क्रिएटिंग न्यू रेवेन्यू पूल्स इन एयरोस्पेस डिफेंस एंड ई मोबिलिटी, और यही कारण है जो भारत फोर्ज है वो एयरोस्पेस डिफेंस और ई मोबिलिटी में बहुत सारे नए एवेन्यूज ढूंढ रहा है पैसे और बढ़ाने के, यानी रेवेन्यू जनरेट करने के। द डी रिस्किंग ऑफ बिजनेस एडेड ओसवाल, और ये सब चीज़ों को जो बिजनेस में जो रिस्क है उसे काफ़ी हद तक कम कर देगा दोस्तों, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा स्टॉक, अब बात करते हैं थोड़ा सा भाई तीसरे स्टॉक की जो सबका फेमिलियर होगा वो है महानगर गैस। देखिए द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ महानगर गैस इज 898 अ पीस, जो करेंट मार्केट प्राइस है महानगर गैस की वो 898 अ पीस है, विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ रुपीज 8,872 करोड़, 8,872 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक 11% का मैक्सिमम रिटर्न दे चुका है दोस्तों एक महीने के अंदर, और मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग रखी है महानगर गैस में, 1025 का टारगेट प्राइस दिया है, यानी करंट से जो रिटर्न की बात की जा रही है 14% है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है द स्टॉक ट्रेड्स एट 12x, जो स्टॉक है वो 12x में ट्रेड करता है, फाइनेंशियल ईयर 24 की अंत तक ईपीएस जो है वो 73 रुपीज की रहने वाली है, ठीक है, और कंपनी उसे वैल्यूएट कर रही है 14x के पी में 24 के अंत तक ईपीएस में। वी आर राइट एट अवर टारगेट प्राइस ऑफ 1025, मेंटेन बाय ओइंग टू इट्स रिलेटिवली चीपर वैल्यूएशन। महानगर गैस को लेकर के जो सबसे इंपॉर्टेंट या अट्रैक्टिव चीज लोगों को दिख रही है वो है इसकी चीप वैल्यूएशन, ये करेक्ट होने के बाद काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में आ रहा है। आगे ये लिखते हैं दैट वी एक्सपेक्ट अ वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 8%, वॉल्यूम में 8% की वृद्धि होगी 2024 के अंत तक, विद द मैनेजमेंट गाइडिंग फॉर अ वॉल्यूम सीएजीआर ऑफ 6% ओवर द नेक्स्ट 3-5 ईयर्स, और जो मैनेजमेंट उसका कहना है कि जो वॉल्यूम सीएजीआर है वो 6% बढ़ने वाला है आने वाले 3-5 सालों में, ठीक है। वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल 23 बींग हायर, ठीक है। तो ये हो गया भाई मोतीलाल ओसवाल की बातें, आगे है, आगे आप जाएंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे मनप्पुरम फाइनेंस। देखिए मनप्पुरम फाइनेंस में आप पाएंगे, देखिए द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द मिड कैप स्टॉक इज 116 रुपीज अ पीस, जो करेंट मार्केट प्राइस है दोस्तों मिड कैप स्टॉक की वो 116 रुपए अ पीस है, विद मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 9,856 करोड़, ठीक है, लगभग 9,856 करोड़ रुपीज की मार्केट कैप है, और ये काफी हद तक करेक्ट वेक्शन हो चुका है। द स्टॉक हैज गिवन मैक्सिमम रिटर्न ऑफ 23% इन द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में बहुत ही घटिया रिटर्न के रहे हैं मात्र 23% के, और मोतीलाल ओसवाल ने इसे बाय कॉल दिया है 140 का टारगेट, यानी 21% का रिटर्न की है मैक्सिमम रिटर्न की पोटेंशियल की ये बातें कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए ये करेक्ट बहुत हो चुका है, ये सब ठीक है। यहाँ पे जो इन्होंने हाईलाइट रखा है वो ये है, मैंने हाईलाइटेड दैट डिमांड इन स्मॉल टिकट एंड रूरल गोल्ड लोन हैव बीन रिकवर्ड, जो स्मॉल टिकट है स्मॉल टिकट और रूरल गोल्ड लोन से वो काफी हद तक बढ़ रहे हैं। वी कंटिन्यू टू मॉनिटर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस गोल्ड डिमांड एट गोल्ड लोन एट ऑफ 22%। देखिए कंपनी ये भी कह रही है भैया हम एक नजर तो रखेंगे कि इनकी जो गोल्ड लोन यील्ड है 21-22% की ऑफर्ड बाय MGFL, और द मैनेजमेंट हैज क्लियरली आर्टिकुलेट दैट इट डज नॉट विश टू परस्यू ग्रोथ एट द कॉस्ट ऑफ कंप्रेशन ऑफ इन स्प्रेड्स, देखिए विच इज अ बिग पॉइंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए कंपनी ने ऑलरेडी मैनेजमेंट ने कह लिया है भाई ग्रोथ के चक्कर में अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसे बहुत ज्यादा तिलांजलि नहीं देंगे, यानी ओवर ग्रोथ बहुत रैपिड ग्रोथ के चक्कर में हम बहुत ज्यादा बड़े बड़े आप कह सकते हैं चीप चलिए अनसिक्योर्ड लोन्स देकर के हम अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें खतरा नहीं पैदा करेंगे, और ये एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है लेमन ट्री होटल्स। देखिए द करंट मार्केट प्राइस ऑफ कैप ऑफ दिस मिड कैप स्टॉक इज 91 रुपीज अ पीस, इट हैज अ मार्केट
कैपिटलाइजेशन ऑफ रुपीज 7,233 करोड़, 7,000 करोड़ ज्यादा मार्केट कैप है दोस्तों इसका। द मिड कैप कंपनी टू एक्सिस्ट इन 1992 में दोस्तों ये कंपनी आई थी। स्टॉक हैज गिवन अ मैक्सिमम रिटर्न इन द लास्ट वन ईयर 59%, पिछले एक साल के अंदर लेमन ट्री ने 59% का रिटर्न दे रखा है दोस्तों। आप समझिए एक साल में लगभग 60% रिटर्न, और यही कारण है कि इसमें 110 का टारगेट दिया जा रहा है, यानी कि करंट से 90 रुपये से आप कह सकते हैं 21% का रिटर्न। और जो इसमें हाईलाइट करने की बात कही गई है दोस्तों, जो ब्रोकरेज हाउस द्वारा, उसका आप देखें यहाँ पे, दैट लेमन ट्री इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ लेड बाय वन बियॉन्ड डिमांड ड्यूरिंग द वेडिंग सीजन। देखिए अभी वेडिंग सीजन आ रहा है, फिर जो कॉर्पोरेट ट्रैवल है वो स्टार्ट हो गई है, और इनबाउंड ट्रैवल स्टार्ट हो गई है, और G20 प्रेसिडेंसी को करने वाला कौन, इंडिया। तो ये तमाम चीज़ें लेमन ट्री होटल, इन तमाम होटल्स को बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव रिटर्न देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये 5 स्टॉक थे, यदि आपके पास हैं प्लीज़, आप कह सकता हूं मैं इसको रडार में एटलीस्ट जरूर रखिएगा। खरीदने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार जरूर दीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।